दहशतगर्दों ने फिर बहाया बेगुनाहों का खून, आतंकी हमले में दो की मौत। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के सरकारी स्कूल में हुई आतंकी वारदात, महिला प्रिंसिपल और टीचर को मारी गोली। प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को गोली लगने से वो हुए थे जख्मी, अस्पताल पहुंचाने से पहले ही दोनों ने तोड़ा दम। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाके में पसरा खौफ, गोलीबारी के बाद आतंकी फरार। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में आतंकियों ने ली 5 लोगों की जान, मंगलवार रात 1.5 घंटे में 3 लोगों की हत्या। आज उत्तराखंड दौरे पर है पीएम मोदी, ऋषिकेश में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देश को सौंपे 35 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड के तहत हुआ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, अब तक देश भर में 1224 प्लांट तैयार। भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया, पीएम ने कहा दुनिया के किसी भी देश के लिए यह लक्ष्य था अकल्पनीय। केदारनाथ का दौरा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, पुनर्निर्माण कार्यों का ले सकते हैं जायजा। भगवान केदार के भक्तों को होंगे अब शिवलिंग के दर्शन, 2 साल से गर्भगृह में प्रवेश पर लगी थी रोक। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 4 गुफाएं बनकर तैयार, भक्तों के लिए योग और ध्यान करने का विशेष इंतजाम। चारधाम यात्रा के लिए अब नहीं होगी ई पास की जरूरत, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाना होगा जरूरी। राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी के 20 साल पूरे, खास मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। न्यायिक आयोग 2 महीने में देगा रिपोर्ट, लखीमपुर को बनाया जाएगा जांच मुख्यालय। लखीमपुर में मारे गए सभी 8 लोगों के परिवार को मिला मुआवजा, योगी सरकार ने जारी की राशि। 4 किसान, 2 बीजेपी कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार की हुई थी मौत, सभी के परिवार को दिए गए 45-45 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा लखीमपुर, पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी सरकार को कल तक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश। लखीमपुर की घटना का नया वीडियो वायरल, प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ती दिख रही है तेज रफ्तार थार। पुराने वीडियो में भी किसानों को रौनते दिखी थी थार गाड़ी, नए वीडियो में तस्वीरें और भी साफ। टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ी थार गाड़ी, घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों के गले मिले राहुल प्रियंका, निगासन में मुलाकात करके बंधाया ढांढस। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोली प्रियंका गांधी ने इंसाफ की मांग की, पूछा अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। राहुल ने कहा कांग्रेस हर तरह से किसानों के साथ, न्याय की लड़ाई में हर तरीके से मदद का वादा। लखीमपुर दौरे के बाद लखनऊ लौटे राहुल और प्रियंका, आ जा सकते हैं बहराइच। लखनऊ लौटकर प्रियंका ने भरी हुंकार, कहा जब तक केंद्रीय मंत्री नहीं होते बर्खास्त तब तक जारी रहेगी लड़ाई। और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहां पे लखीमपुर मामले में बीएसपी भी एक्शन में आई, आज पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अखिलेश भी लखीमपुर रवाना, यूपी में कानून व्यवस्था के लिए सरकार पर साधा निशाना। नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर के लिए निकालेंगे मार्च, पंजाब कांग्रेस ने योगी सरकार को दी है 10,000 गाड़ियों का काफिला ले जाने की चुनौती। सिद्धू के लखीमपुर मार्च को लेकर पंजाब में पुलिस की चौकसी कड़ी, जगह जगह बनाए चकनाके। लखीमपुर के लिए पहुंची आम आदमी पार्टी के नेताओं की टीम, संजय सिंह और राघव चड्ढा रहे मौजूद।
दिल्ली सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को दी लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत, अधिकतम 5 लोगों की टीम की अनुमति। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर रेवाड़ी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भिवानी में किसानों का विरोध प्रदर्शन, हरियाणा के कृषि मंत्री के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। लखीमपुर कांड को लेकर चंडीगढ़ में भड़के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, राज्यपाल निवास का किया घेरा। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 27 घायल। सड़क पर आवारा मवेशी आने से हुआ हादसा, आमने सामने से तेज रफ्तार से भिड़े दोनों वाहन। टक्कर के बाद एक दूसरे में फंसे ट्रक और बस, निकालने के लिए बुलानी पड़ी जेसीबी मशीन। बाराबंकी हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान, घायलों को मिलेंगे 50,000, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। ग्वालियर में पुलिस वाहन हादसे का शिकार, ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत। अक्टूबर में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। बालाघाट में तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, पेट्रोल की कीमत 114.12 रुपए और डीजल 102.99 रुपए प्रति लीटर। बिहार को मिला महिला कमांडो का पहला दस्ता, 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के सीआरपीएफ सेंटर में दी गई ट्रेनिंग। मुंबई में जोरदार बारिश के दौरान स्कूल बिल्डिंग पर गिरी बिजली, फर्नीचर और उपकरण जलकर खाक। हाजीपुर में चलते ही मोटरसाइकिल में लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। चेन्नई में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए सिपाही ने दिखाई जाबाजी, कार के बोनट पर चढ़कर रोका अपराधियों का रास्ता। सूरत में शराब पर पाबंदी के बावजूद होटल में शराब पार्टी, पुलिस ने छापा मारकर रंगे हाथ पकड़ा। शराब पार्टी में शामिल 2 विदेशी महिलाओं समेत 25 लोग गिरफ्तार, शराब की 142 बोतलें भी बरामद। श्रावस्ती में बाइक सवार को पिकअप गाड़ी ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत। असम के कछार में किंग कोबरा सांप के साथ खिलवाड़ पड़ा महंगा, डसने से बुजुर्ग की मौके पर मौत। केस में फंसे शाहरुख के बेटे के समर्थन में आए अभिनेता ऋतिक रोशन, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दिया हौसला। ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का कराया गया मेडिकल कस्टडी को लेकर आज अदालत में फिर होगी पेशी। ड्रग मामले में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार, आज अरबाज का दोस्त अचित मुंबई से गिरफ्तार। ड्रग मामले में सियासत तेज, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मनीष भानुशाली को बताया बीजेपी कार्यकर्ता। नवाब मलिक के आरोपों को एनसीपी ने बताया बेबुनियाद, कहा मनीष भानुशाली और केपी गोसावी को बनाया गया है गवाह। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार 5वें दिन इंटरनेट सेवा बंद, दो पक्षों में विवाद के बाद भड़का था तनाव। यमुनानगर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में महिला समेत 4 लोगों को उम्र कैद, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। मुजफ्फरपुर में स्कूल परिसर में छात्र ने लहराई पिस्तौल, स्टाफ और आसपास के लोगों ने छीन कर किया पुलिस के हवाले। पटना में खनन विभाग के अफसर के ठिकानों पर छापे, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। बक्सर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़ी सुरक्षा, कल होना है मतदान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हथौड़े के वार से पत्नी की हत्या, थाने पहुंचकर पति ने खुद को किया पुलिस के हवाले। दरबार में रंगदारी ना देने पर जानलेवा हमला, घर में उसे बदमाश।
सटे पिंपरी चिंचवाड़ में प्रेमिका की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। 5 साल पहले प्रेमिका के पति की हत्या का भी आरोप। उज्जैन में दिन दहाड़े फायरिंग, युवक ने दोस्त को मारी गोली, पारिवारिक विवाद की वजह से वारदात। पूर्वी चंपारण में 2,500 लीटर स्प्रिट बरामद, पंचायत चुनाव में शराब के लिए इस्तेमाल होने का शक। महाराष्ट्र के ठाणे में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच गैस गोदाम की दीवार ढही, 2 राहगीरों की मौत। वाराणसी में मकान की छत पर गिरी आसमानी बिजली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में गंगा में डूबने से बुजुर्ग की मौत, पत्नी को लोगों ने बचाया, हादसा या आत्महत्या की थ्योरी को लेकर जांच जारी। यूपी के अमरोहा में अचानक आग लगने से खाई में गिरी बस, 1 यात्री की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पार करते वक्त हादसे का शिकार हुआ तेंदुआ, अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती। नवरात्र के पहले दिन सौभाग्य की देवी मां शैलपुत्री की पूजा, 9 दिन में मां के 9 रूपों की होगी आराधना। महालया अमावस्याल की शाम कटरा में दिखा भव्य नजारा, रोशनी से जगमगाया मां वैष्णो देवी का दरबार। अमरावती में नवरात्रि उत्सव की धूम, रोशनी से जगमगाया मां अंबे और एक वीरा मंदिर। दिल्ली में लवकुश रामलीला के फुल ड्रेस रिहर्सल, इस बार सीमित संख्या में जारी रहेंगे पास, डीटीए में गाइडलाइंस के तहत मिली इजाजत।